ये रहा वही HP का लैपटॉप जिसकी हमने भी अनबॉक्सिंग दी थी। अब मैं आपको इसके की फीचर्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने उस वीडियो में बताया था, ये जो पर्पल शेप की ब्रांडिंग दी गई है कलर के साथ, वो बहुत अच्छी है। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको वन हैंड से भी ओपन बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर इसको मैं ज़रा ओपन कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 55.6 इंच की डिस्प्ले, जो सबसे बड़ी होती है, इसके बाद लैपटॉपों में कोई भी बड़ी स्क्रीन नहीं है, सबसे लास्ट साइज यही है। फिर आपको कीबोर्ड में दो बैकलाइट मिलते हैं, ये सबसे हाई है, फिर इससे कम, फिर इससे वन, ये सबसे हाई फिर कम। इसमें आपको अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो मिलती है, आपको पूरा एक बड़ा कीबोर्ड मिलता है। ये रहा इसका माउस पैड, ये पूरा एंड टू एंड टच माउस पैड है। इसमें आपको ये दो बटन दिए हुए हैं, राइट एंड लेफ्ट। थोड़ा सा क्लिकी साउंड आता है, क्लिक करते हैं तो ऐसा साउंड आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। माउस पैड भी मीडियम है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर इसके वारंटी सपोर्ट दिए गए हैं, आप इसको चाहे तो छेड़ सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे तो उसको घर पर बुला सकते हैं ठीक कराने के लिए। यहाँ पर पवेलियन की ब्रांडिंग दी गई है, पवेलियन की ब्रांडिंग बहुत अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर आपको ये की एक्स्ट्रा देखने को मिलती है फंक्शन की, क्योंकि आपको पता होगा अब जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें फंक्शन के लिए आपको अलग, मतलब बैकग्राउंड में काम करते हैं वो, मतलब फंक्शन की जब दबाओगे तभी वो वर्क करेगी फंक्शन की। यहाँ पर आपको बी एंड ओ का साउंड सिस्टम मिलता है, राइजन 5 5600 सीरीज का। यहाँ पर आपको प्रोसेसर एनवीडिया 6050, 4GB रैम DDR6 के साथ आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है, 144GHz की रेफरेंस रेट है, जो आप स्क्रीन के मुताबिक 60GHz पे भी चला सकते हैं। अब आपको इसके और फीचर्स दिखाता हूँ। सिस्टम इन्फो में मैं गया, यहाँ पर आप देखिए OS जो है आपका विंडो 10 है, आप चाहें तो इसको अपडेट कर इसको 11 में कर सकते हैं, ठीक है। और पवेलियन गेमिंग लैपटॉप आपको यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, 5600H प्रोसेसर, और इसको आप इसमें आपको रेडियन की ग्राफिक्स भी मिलते हैं 512 MB के। चलिए ये आपने देखें। इसमें एक चीज़ और है आपको बताने का, एक इसमें आपको 8GB की DDR4 रैम मिलती है, ओके, वाईफाई 6 मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके परफॉर्मेंस दिखा दूँ, टच मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस। ये CPU इसका, जब मैं इसको एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपको पता ही है अगर आप थोड़ा सा भी टेक जानते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो आपको पता ही होगा कितना हैवी लोड लेता है, लेकिन ये तब भी 1 या 2% ही इसका CPU यूटिलाइज्ड होता है। मेमोरी इसकी SSD है 512 की, M2 SSD, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सॉरी, मेमोरी जो है वो रैम के लिए है, रैम आपकी 8GB DDR4 है, 3200 GHz के साथ, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। SSD मैंने बताई थी 512 SSD है, हाइनिक्स की M2 SSD है। NVIDIA ग्राफिक्स आपका बिल्कुल खाली चलेगा जब तक आप कोई गेम नहीं खेलेंगे। एक फ़ैन आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि वो आपका ग्राफिक कार्ड का है। ये 512 MB का अलग डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, AMD रेडियन ग्राफिक कार्ड है। और इसमें आपको यहाँ पर 2-2 वाट के दो साउंड मिलते हैं, जो कि B&O की तरफ से आते हैं, HP की यहाँ पर ब्रांड है। यहाँ पर आपको हिंजेस दिखेंगे, जिसके कारण इसमें वॉबलिंग इफ़ेक्ट थोड़ा सा आता है, ये वॉबलिंग इफ़ेक्ट है थोड़ा सा। और कीबोर्ड में ज़्यादा जंपिंग नहीं है, नॉर्मल है कीबोर्ड। और इसमें
एक चीज़ और, इसकी डिज़ाइन ऐसी है कि इस पर अगर आप पानी डाल दो तो ये देखिए, मैंने पानी डाला एक ही बार में साफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये मेटलिक डिज़ाइन है तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मैं इसको हटाता हूँ। और हाँ, इसकी आपको HP का एक साल के लिए सपोर्ट मिलता है, वारंटी एक साल की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक साल में अगर आपका कोई भी डैमेज होगा तो वो आपके घर आएगा, ठीक करके जाएगा। चाहे तो आप इसको विंडो 11 कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो विंडो 10 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि विंडो 10 और 11 एक ही चीज़ है। अब इसकी एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके फ़ैन यहाँ से आपको, यहाँ से आपके फ़ैन लगे हैं दो, एक उसका है ग्राफिक कार्ड का और एक CPU का। CPU का चलेगा तो यहाँ से, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसका एयर फ्लो है, वहाँ से एयर फ्लो है और कोई दिक्कत नहीं आती इस लैपटॉप में। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। साथ ही साथ इसमें आपको ASTW, ये आपको अल्ट्रा लाइट आप देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा जो है वो मिलेनियस हैं, मतलब चमक रहे हैं, वे ज़्यादा चमक रहे हैं। और आपको लैपटॉप बहुत ही अच्छा पड़ेगा अगर आप एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा पड़ेगा। वैसे ही मुझे बहुत ही कम में, वैसे तो आपको फ्लिपकार्ट पर इसकी रेट मिलेगी 59,990, लेकिन ये मुझे बहुत ही कम में पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्यों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों के साथ जो आपके इंजीनियर बनना चाहते हों, दोस्त कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हों, या मतलब कोई भी ऐसी डिग्री कर रहे हों जिसमें उनको लैपटॉप की ज़रूरत हो, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वैसे हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आपको यहाँ पर विंडो में आपको फोकस हो जाए, हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, 1 मंथ के बाद आप इसको लेना होगा। इसका कैमरा में, इसके कैमरा जो है वो VGA कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, तो कैमरा में आपको दिखा नहीं सकता इसकी क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी जो है ठीक ठाक है। HD 720 पिक्सल का कैमरा है, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है कैमरा। और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसके साथ आपको NVIDIA और AMD का जो है, जो ग्राफिक कार्ड का मेन ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए अलग से ऐप दिए गए हैं, जैसे ये NVIDIA का है और AMD का ऊपर निकल चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड भी मिलता है और OEM गेमिंग हब मिलता है, क्योंकि ये OEM गेमिंग हब पर बेस्ड, क्योंकि सॉरी ये गेमिंग लैपटॉप है इसलिए। और सारे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें पार्टीशन नहीं मिलेंगे देखने के लिए, आपको पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। पार्टीशन आप बना लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता पार्टीशन कैसे बनाते हैं विंडोज़ में, कोई भी विंडो है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको पार्टीशन बनाना बता दूँगा। अगर आपको कोई भी और समस्या आ रही हो लैपटॉप चूज़ करने में, या लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर में, या कोई मोबाइल टेक्निक, कोई भी आप समस्या हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान ज़रूर बता दूँगा। चलिए फिर, आशा करता हूँ आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी।